लखीमपुर खीरी में लुटेरों ने लूट लिया 13 लाख का धान। ट्रैक्टर जिसमें दो ट्रॉलियां लगी थी और उसमें धान लदा हुआ था, उसके ड्राइवर को मारपीट कर उस ट्रॉली को कब्जे में लेकर दो व्यक्तियों द्वारा उसको छीन कर भाग गए थे। गोला थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्राली लूटने वाले बदमाश गिरफ्तार। बाउंड्री के परिसर से वो दो ट्रॉलियां भी बरामद हुई जिसमें कि धान लदा हुआ था, और प्रधान टोल के पास से वो एक ट्रैक्टर भी बरामद हुआ। गोला थाना पुलिस ने 5 घंटे में किया लूट का खुलासा। 4 से 5 घंटों में पुलिस ने घेराबंदी करते हुए एक अभियुक्त को, मैं सभी लूटी हुई जो भी चीज है, ट्रैक्टर ट्रॉली, इन सबको बरामद किया है। चोरी के धान समेत मोबाइल फोन किया पुलिस ने बरामद। द्वारा इस पे घेराबंदी की गई और एक स्थान पर क्रेटा से भाग रहा लुटेरा, उसकी गाड़ी पलट जाने के कारण वो मौके पर ही। दिलबाग पर SP लखीमपुर खीरी ने 20,000 का इनाम किया घोषित। और नाम प्रकाश में आया है दिलबाग, जो कि संपूर्ण नगर का रहने वाला है, उस पर पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा 20,000 रुपए की घोषणा की गई है उसकी गिरफ्तारी के संबंध में, इनाम की घोषणा। गोला थाना पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में लुटेरों को किया गिरफ्तार। इस प्रकार संपूर्ण घटनाक्रम सुबह 5 बजे से लेके वो 10 बजे तक चला। इस आपकी स्क्रीन पर पुलिस के पीछे खड़ा ये जो शख्स दिख रहा है, इसने किसान की खून पसीने और मेहनत से पैदा की गई धान की फसल पर डाका डाला है। किसान की ट्रैक्टर ट्राली को लूटकर फरार हो गया था। गोला पुलिस ने आखिरकार इसको इसके अंजाम तक पहुंचा दिया। करीब गोला कस्बे में एक ट्रैक्टर जिसमें दो ट्रॉलियां लगी थी और उस पे धान लदा हुआ था, उसके ड्राइवर को मारपीट कर उस ट्रॉली को कब्जे में लेकर दो व्यक्तियों द्वारा उसको छीन कर भाग गए थे। थाना गोला पुलिस ने लूट की घटना का 5 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए अभियुक्त गुरमीत सिंह को लूट की ट्रैक्टर ट्राली पर लदे हुए धान, जिसकी कीमत लगभग 13 लाख रुपए बताई जा रही है, एक मोबाइल फोन और लूट के लिए इस्तेमाल की गई क्रेटा कार को भी बरामद कर लिया है। क्रेटा से सवार होकर जो लुटेरा था वो भाग रहा था, और एक ने ट्रैक्टर ट्राली को अपने कब्जे में लेकर वो भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस द्वारा इस पे घेराबंदी की गई और एक स्थान पर क्रेटा से भाग रहा लुटेरा, उसकी गाड़ी पलट जाने के कारण वो मौके पर ही पुलिस तथा पब्लिक के सहयोग से गिरफ्तार किया गया उसको। गोला थाने की पुलिस ने जिस तरह से तेजी दिखाते हुए पीड़ित जसपाल सिंह की शिकायत पर एक्शन लिया, वो वाकई में काबिले तारीफ है। 5 घंटे के अंदर लुटेरे लूट के माल के साथ पुलिस की गिरफ्त में। 4 से 5 घंटों में पुलिस ने घेराबंदी करते हुए एक अभियुक्त को, मैं सभी लूटी हुई जो भी चीज है, ट्रैक्टर ट्रॉली, इन सबको बरामद किया है। घटना का राउंड करते गुरमीत का एक साथी दिलबाग सिंह, जो मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया, उस पर पुलिस अधीक्षक ने 20,000 का इनाम घोषित कर दिया। इससे अपराधियों के हौसले कहीं न कहीं जरूर पस्त होंगे। हाँ, इसमें जो दो व्यक्ति आए हैं, एक और नाम प्रकाश में आया है दिलबाग, जो कि संपूर्ण नगर का रहने वाला है, उस पर पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा 20,000 रुपए की घोषणा की गई है उसकी गिरफ्तारी के संबंध में, इनाम की घोषणा। यथाशीघ्र हमारी टीम उसको भी गिरफ्तार करने का प्रयास करेगी। लखीमपुर खीरी से न्यूज टाइम नेशन के लिए खुर्शीद खान राजू के साथ हर्ष गुप्ता की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।